हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जीके के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि बिल्कुल करंट है दोस्तों और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। और लास्ट वीडियो में आपने एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, अर्जेंटीना में संपन्न युवा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 5000 मीटर रेस प्रतिस्पर्धा में किसने रजत पदक हासिल किया है। तो सूरज पवार ने ये रजत पदक हासिल किया है दोस्तों। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर दिया दोस्तों, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट के जीके के क्वेश्चन। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही की विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2018 में किस भारतीय को कांस्य पदक जीता है दोस्तों। तो पूजा डांडा ने ये कांस्य पदक जीता है दोस्तों विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लखनऊ में कृषि कुंभ 2018 का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो इसका जो आयोजक है किस देश के संयोग से किया गया दोस्तों, तो जापान के संयोग से किया गया दोस्तों कृषि कुंभ 2018। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों 26 से 28 अक्टूबर तक ये चला था दोस्तों कृषि कुंभ 2018, और जो इसका जो उद्घाटन किया गया दोस्तों वो जापान के संयोग से किया गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया है दोस्तों इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018। तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों, न्यू डिजिटल हेराइजन कनेक्ट क्रिएट एंड इनोवेट, यानी कि जो नई जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उसे कनेक्ट करना क्रिएट करना और इनोवेट यानी उसे बनाना दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा था दोस्तों जो कि नई दिल्ली के अंदर इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के उन्नयन माका नामक पहल को राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन व प्रबंधक संघ पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध है दोस्तों गुणवत्ता शिक्षा से दोस्तों उन्नयन बांका नामक पहल। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सूचना आयुक्त कार्यालय ने डेटा दुरुपयोग के मामले में फेसबुक पर 4.7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया दोस्तों। तो यूनाइटेड किंगडम ने ये जुर्माना लगाया दोस्तों फेसबुक के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो सूचना आयुक्त का जो कार्यालय का जो डाटा था दोस्तों उसका दुरुपयोग किया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 25 अक्टूबर से नाटो सदस्य देशों के बीच में ट्राइडेंट जंक्चर नामक 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों। तो ये नॉर्वे के अंदर आयोजित किया गया दोस्तों ट्राइडेंट जंक्चर 2018 दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पंजाब राज्य में ग्लाइफोसेट की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये शाकनाशक से रिलेटेड है दोस्तों ग्लाइफोसेट, तो इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। किसने लगाया दोस्तों, पंजाब राज्य ने। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इथियोपिया में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो सहेल वर्क जेवड़े को नियुक्त किया गया दोस्तों, जैसे कि आप फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों इथियोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2017 में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी किस देश से थे। तो भारत से थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट 2018 के अनुसार। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलमार्ग संपर्क बढ़ाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो बांग्लादेश के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जल संपर्क बढ़ाने के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अन्ना बर्न्स 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों और किस उपन्यास के लिए दिया गया दोस्तों। तो उपन्यास के नाम है दोस्तों लिंकन इन द बार्डो द सेल आउट मिल्कमैन इनमें से कोई नहीं। तो ये मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज का वीडियो का क्यूज है, मतलब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके देना दोस्तों। तो प्लीज़ इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो अंत में जय हिंद वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।